रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम आयोजित हो रही है। झारखंड स्थापना दिवस का मौका है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है? हमारे साथ पुलिस कप्तान रांची के मौजूद है। सर, क्या कुछ तैयारी सुरक्षा को लेकर क्या? देखिए, सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं और जो पूरा कार्यक्रम स्थल है मोराबादी में, इसमें पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्सेस लगाई जा रही हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की भी तैनाती हुई है। DYSPs लगभग 10 से ज़्यादा DYSPs लगाए जा रहे हैं, इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स लगाए जा रहे हैं और विभिन्न सेक्शंस में बांटा गया है पूरे जो सिटिंग एरिया है उसको, जहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद। बड़ी संख्या में महिलाओं की भी क्योंकि महिलाएं बड़ी संख्या में अपेक्षित हैं, तो महिला पुलिसकर्मी लगाई जा रही हैं पर्याप्त संख्या में और DFMDs लगाए जा रहे हैं, जिससे कि पर्याप्त रूप से फिस्किंग करने के बाद ही कोई एंटर कर सके। चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसलिए उनके गाड़ियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है और मोराबादी ग्राउंड के चारों जगह जगह पर ट्रैफिक किसी भी तरीके से बाधित नहीं हो, रेगुलेटेड रहे। भीड़ को देखते हुए ऐसा कुछ है कि कुछ जोन में भी बांटा गया है, 2-4 गेट लगाए गया है? जी, लगभग 4 गेट हम लोगों ने लगाए हैं, जिसमें 30 से अधिक संख्या में DFMD गेट्स लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा इंतजाम करने का कोशिश किया गया है कि जब बड़ी संख्या में भी लोग आते हैं तो किसी प्रकार की आपाधापी नहीं। बिल्कुल, तो झारखंड राज्य के स्थापना हुए 22 वर्ष होने जा रहे हैं और इसे लेकर स्थापना दिवस बड़े रूप में, भव्य रूप में आयोजित हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। अब देखना होगा कि तैयारियों के साथ साथ कल का जो कार्यक्रम में क्या कुछ खास होता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोहिजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।